हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो क्लिप में हम लेकर के आए हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या आज हम प्रतिबिंब के विषय में पढ़ेंगे। तो वस्तुतः प्रतिबिंब जो बनता है प्रकाश के परावर्तन की घटना से बनता है और प्रकाश के अपवर्तन की घटना से बनता है। तो चूंकि इसके पिछले के वीडियो क्लिप में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है, तो आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो इमेज होंगे, जो प्रतिबिंब होंगे, या जो प्रतिबिंब प्रकाश की परावर्तन की घटना से संबंधित होंगे, उस इमेज के विषय में हम पढ़ेंगे, उस प्रतिबिंब के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कहते किसको है, या परावर्तन द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक चीज हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश फिर परावर्तित होकर के चारों दिशाओं में चलता है, या कह ले कि एक वस्तु पर जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से पड़ती है तो वो वस्तु खुद प्रकाश स्रोत बन जाता है, या वो वस्तु से लगातार प्रकाश की किरण निकल रहती है तब तक जब तक कि प्रकाश स्रोत से उस पर प्रकाश पड़ता है। एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, या कह ले कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर के हम तक आता है और वो चंद्रमा हमको चमकीला दिखाई देता है और हमको आभास होता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु से प्रकाश हम तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है और चंद्रमा से प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो अगर हम इसको एक प्रकाश स्रोत के रूप में देखें इस तरह से, ये प्रकाश स्रोत है और यहां पर कोई वस्तु है, इस तरह से इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आई और यह प्रकाश किरण यहां से चलना शुरू हो गई, इस तरह से दूसरे प्रकाश स्रोत की आई वो भी इस तरह से कुछ चलेगी, इस तरह से चलेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये वस्तु, जो वस्तु था, ये वस्तु से भी प्रकाश की किरण चलने लगी और वो प्रकाश की किरण वास्तव में किसकी है, इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण है और यह प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के चल रही है। तो अब यह वस्तु खुद एक प्रकाश स्रोत का काम करने लगेगा। कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि यदि कोई वस्तु प्रकाश में रखी हुई होती है तो वस्तु से खुद प्रकाश की किरण चलने लगती है। कुल मिलाकर के प्रकाश की किरणें वस्तु से भी चलती है। यदि वस्तु कहां हो, प्रकाश में हो, तो यह प्रकाश स्रोत था और इस प्रकाश स्रोत के प्रकाश में यह वस्तु रखी थी। अब यह वस्तु खुद एक प्रकाश स्रोत बन गई, इस वस्तु से चारों तरफ प्रकाश की किरणें चलने लगी। तो अब यहां पर हम समझ गए कि वस्तु, हर वस्तु यदि वो प्रकाश में है तो प्रकाश स्रोत का काम करने लगती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक वस्तु है ये, चूंकि हमको परावर्तन के द्वारा इमेज को देखना है या परावर्तन की घटना से जो प्रतिबिंब बनता है उसको देखना है, तो परावर्तन के लिए एक हम समतल दर्पण ले लिए हैं। उसके सामने एक वस्तु ये ए लिए हैं। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण, चूंकि ये वस्तु खुद प्रकाश स्रोत के रूप में हो गई है, या वस्तु से खुद प्रकाश की किरण निकल रही, तो एक प्रकाश की किरण ये निकली और दूसरी प्रकाश की किरण ये निकली। पहली प्रकाश की किरण को हम ए ओ कह रहे हैं और दूसरी प्रकाश की किरण को हम ए ओ डैश कह रहे हैं, और दोनों ही प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर ओ पर गिर रही हैं और ओ डैश पर गिर रही हैं। अब जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक तल पर गिरता है तो वहां से क्या होता है, परावर्तित होता है। तो यह प्रकाश की किरण ए ओ जब इस समतल दर्पण के बिंदु O पर आपतित हो रही है तो
तो आपतन के पश्चात ये परावर्तित होगी और जो चलेगी ओ बी दिशा में। एक और प्रकाश की किरण चल रही है जो ए ओ डैश है। ये प्रकाश की किरण ए ओ डैश समतल दर्पण के बिंदु ओ डैश पर आपतित हो रही है और आपतन के पश्चात इसका भी परावर्तन होगा, तो यह परावर्तित होकर के ओ डैश बी डैश बन जा रही है। ठीक, तो एक परावर्तित किरण ओ बी है और दूसरी परावर्तित किरण ओ डैश बी डैश है। अब ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जा रही है, कहीं मिलेगी नहीं। अगर कहीं नहीं मिल रही है तो इसको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखते हैं, इस दर्पण के पीछे बढ़ा के अगर देखें तो हमको लगता है कि ये ए डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, यानी ए डैश क्या होगा, इस ए का प्रतिबिंब बिंदु होगा। ये तो समतल दर्पण से परावर्तन के संदर्भ में ए का प्रतिबिंब ए डैश बन गया। इसी तरह से अगर हम गोलीय दर्पण में चलें, अवतल दर्पण को लें, तो अवतल दर्पण से भी प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। तो अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे पर मिलती हैं और जब मिलती हैं तो जहां मिलती है वहां उसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु, या कह लें कि जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु। अभी हमने बताया कि अवतल दर्पण के संदर्भ में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है, तो जहां मिलती है वो बिंदु, या फिर कह लें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु, दोनों बिंदु क्या होंगे, इस ए का प्रतिबिंब कहे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के संदर्भ में कैसे दो परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती है। तो ये यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ये अवतल दर्पण है, उसके सामने ये एक वस्तु बिंदु है ए, और यहां से दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक ये प्रकाश की किरण ओ पर आपतित हो रही है और यहां से परावर्तित होने के बाद ये ऐसे निकल गई, इसको हम ओ भी प्रकाश की किरण परावर्तित मान लेते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण ये चली ए ओ डैश पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ओ बी डैश दिशा में निकल गई। अब दोनों परावर्तित किरण, एक है ओ बी और दूसरी है ओ डैश बी डैश, एक बिंदु पर मिल रही है। देखिए यहां तो ये क्या हो गया, ये बिंदु अगर ए डैश वाले तो ए डैश क्या होगा, ए का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उससे चलने वाली दो प्रकाश की किरणें ए ओ और ए ओ डैश परावर्तन के बाद ओ बी बन रही है और ओ डैश बी डैश बन रही है, और ये दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिल रही है। तो ये जो प्रतिबिंब हो गया, इस वस्तु ए का प्रतिबिंब हो गया ए डैश। तो यहां पर हम ए डैश प्रतिबिंब देख रहे हैं जिसमें दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु से मिल रही है, और यहां पर हम देख रहे हैं समतल दर्पण में दो परावर्तित किरणें ये ओ बी और ये ओ डैश बी डैश लग रहा है कि किसी बिंदु से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती ही प्रतीत हो रही है वो बिंदु क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। किसका, उस बिंदु का जहां से प्रकाश की किरण चल करके परावर्तित हो रही है। तो यहां पर ए डैश प्रतिबिंब होगा जो प्रतीत हो रहा है कि ए डैश से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां प्रतीत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये प्रतीत हो रहा है कि परावर्तित किरण ए डैश से आ रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, ए डैश पर
परावर्तित किरणें मिल रही है। तो यहां पर वास्तव मिल रही है, ये जो ए डैश प्रतिबिंब बनेगा, अतः ए डैश बिंदु ए का प्रतिबिंब तो होगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और यहां क्या होगा? ए डैश बिंदु ए का आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो दो बातें हम देखें कि एक प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है कि ए डैश से परावर्तित किरणें आ रही हैं। अगर आभास हो रहा है तो प्रतिबिंब आभासी बन गया। यहां पर वास्तव में लग रहा है कि दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो अब यहीं से प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगी और प्रतिबिंब के प्रकार हो जाएंगे। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है, इन्हीं बिंदुओं को क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वो बिंदु आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा, और यदि किसी बिंदु पर वास्तव में परावर्तित किरणें मिल रही होती हैं तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु को वस्तु बिंदु इसलिए कहते हैं कि वस्तु का आकार बिंदु के शेप का है, प्रतिबिंब को प्रतिबिंब बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिबिंब का आकार बिंदु के शेप में है। तो यहां से हम वस्तु बिंदु और प्रतिबिंब बिंदु को जानेंगे। तो क्या होगा कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें किरणें चलकर दर्पण पर आपतित होती है, वह बिंदु वस्तु बिंदु कहा जाएगा, वस्तु बिंदु कहा जाता है। जैसे ए से प्रकाश की किरण चलकर दर्पण पर आपतित हो रही है, यहां पर ए से प्रकाश की किरण चलकर दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये ए दोनों क्या है? वस्तु बिंदु है। अब प्रतिबिंब बिंदु की बात करते हैं, तो वस्तु बिंदु से चलकर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत को आप आभास भी लिख सकते हैं, प्रतीत
आभास होती है या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है इन बिंदुओं को, इन बिंदुओं को वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, ठीक। जैसे ये वस्तु है, वस्तु बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चल रही है, और ये दोनों परावर्तित किरणें लग रहा है कि इस ए डैश बिंदु से आ रही हैं, इसलिए ए डैश बिंदु जो होगा इस ए का क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु होगा। यहां पर देखते हैं ये वस्तु बिंदु ए है, यहां से चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चल रही है, और ये दोनों परावर्तित किरण ए डैश पर मिल रही है, तो ए डैश क्या होगा, ए का प्रतिबिंब होगा, या ए डैश ए का क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु होगा। तो यहां से अगर परावर्तित किरण ए डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, तो ये ए डैश जो होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा, और यदि वास्तव में दोनों परावर्तित किरण यहां पर मिल रही है तो ये जो ए डैश प्रतिबिंब बिंदु होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा बिंदु ए का, ठीक। तो यहां से अब क्या होगा, यदि यदि परावर्तित किरण किरणें बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु से आती प्रतीत होती है, होती है, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। तो प्रतिबिंब बिंदु आभासी होगा, और इसके विपरीत यदि वास्तव में मिल रही होती है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, और यदि यदि परावर्तित प्रकाश किरण वास्तव में बिंदु पर मिल रही है, पर मिलती है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु होगा। ये हमारा हो गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, या आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, इसको हम देखा। यानी जिस बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात परावर्तित होकर के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु प्रतिबिंब कहा जाएगा, या जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश की किरण मिलती है वह बिंदु प्रतिबिंब बिंदु कहा जाएगा। तो एक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रतिबिंब को देखा। प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे जानेंगे, उसको देखने के लिए सीधा सा हमारा तरीका है, ये एक दर्पण है मान लेते हैं, और इसके सामने ये वस्तु रखी, ये वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको जानने के लिए यहां से कम दो प्रकाश की किरण लेके चलते हैं। तो एक प्रकाश की किरण ये पड़ी ऐसे आपतित होगी, और आपतन के पश्चात आप जानते हैं
परावर्तन के लिए में पढ़े कि ये अगर अभिलंब इसको माने, ये आपतित किरण माने, तो ये वाला कोण क्या हो जाता है? आपतन कोण हो जाता है। और परावर्तित किरण अगर चलती है तो जितना ये आपतन कोण है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण बन जाता है। तो ये अगर हमारी इस अभिलंब से इसी कोण के बराबर कोण खींचते हुए हम ये परावर्तित किरण बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। एक प्रकाश की किरण के लिए दूसरी प्रकाश की किरण और इस तरह से हम ऐसे करते हैं, ये दूसरी प्रकाश किरण यहां पड़ी और यहां पर हम लंब खींच देते हैं इस तरह से। ये लंब हो गया और ये नॉर्मल अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। इसी कोण के बराबर अभिलंब से एक कोण और बनाते हैं इस तरह से, ये कौन सी हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। एक ये परावर्तित किरण, दूसरी ये परावर्तित किरण। दोनों परावर्तित किरण को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी इधर कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं। जब पीछे बढ़ाएंगे तो इस तरह से इन दोनों परावर्तित किरण को अगर पीछे बढ़ाए तो ये बिंदु हमको मिलेगा और लगेगा कि परावर्तित किरण इस बिंदु से आ रही है। ये वाला जो बिंदु होगा यही क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। किसका? इस ए का। तो ए का ये प्रतिबिंब हो गया। तो इस तरह से आप प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी उसको आप देखेंगे। किसी भी वस्तु से दो प्रकाश की किरण ले जाएंगे और दोनों को परावर्तित करेंगे। परावर्तित किरणें अगर किसी बिंदु पर मिलती है तब तो वही जहां कटान बिंदु होगा, जहां मिलन बिंदु होगा, वही क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर वो नहीं मिलती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो पीछे की तरफ परावर्तित किरण को खींचते हैं और पीछे की तरफ खींचने के बाद जहां पर ये दोनों मिलती है वही जो हो जाएगा प्रतिबिंब हो जाएगा इस वस्तु का। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इसी तरह से हम जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब को देखेंगे तो उसको देखेंगे। जैसे यहां पर हम एक आपतित किरण लिए, ये आपतन बिंदु हो गया और ये एक तरह से यहां पर समतल बन गया। ठीक, और यहां से एक लंब खींच दिए और लंब से ये एक परावर्तित किरण ले गए। ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? यहां पर काट रही है, इसलिए ये ए डैश क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। आगे एक सवाल बड़ा बढ़िया बन के आता है कि हम अपनी पूरी ऊंचाई को देखने के लिए दर्पण कितना ऊंचा लें या दर्पण की लंबाई क्या हो कि हम अपनी पूरी ऊंचाई को देख सकें। तो इसको देखने के लिए हम एक वस्तु लेते हैं और एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनाने के लिए उसकी ऊंचाई क्या होगी उसको देखने के लिए आइए हम कुछ करते हैं। हाँ, तो ये हमारा चित्र है जिसमें ए बी किसी वस्तु की लंबाई है और ये यम यन समतल दर्पण है। हमको देखना है कि इस वस्तु की पूरी लंबाई को देखने के लिए इस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इस वस्तु ए बी के प्रतिबिंब को देखना चाहेंगे कि इस दर्पण से ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो अब ए बी के प्रतिबिंब को देखने के लिए हम पहले ए के प्रतिबिंब को देख लेते हैं कहाँ बन रहा है, बी के प्रतिबिंब को देख लेते हैं कहाँ बन रहा है, और दोनों प्रतिबिंब को, ए के प्रतिबिंब को और बी के प्रतिबिंब को मिला देंगे तो पूरा ए बी का प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा। तो ए के प्रतिबिंब को देखने के लिए एक तो तरीका यह है कि एक प्रकाश की किरण ऐसे ले चलते हैं, ये दर्पण के एकदम सिरे पर यम पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरणें एन ई बन जा रही है और परावर्तन के पश्चात नेत्र पर पहुंच रही है। ठीक, तो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। अब परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं और पुनः वस्तु बिंदु से या ए से एक लंब दर्पण पर खींचते हैं, दर्पण को आगे ऐसे बढ़ाते हैं
और इस पर एक लंब खींच देते हैं। तो ये हमारा जो होगा ये लंब होगा और ये परावर्तित किरण होगी। तो लंब को पीछे बढ़ाते हैं और परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं, जहां ये एक दूसरे को काटते हैं वो क्या हो जाता है, इस ए का प्रतिबिंब हो जाता है। फिर से ए से एक चलने वाली प्रकाश की किरण एम है, जो परावर्तन के पश्चात एम ई दिशा में चल रही है, और ए से इस दर्पण वाली लाइन पर एक लंब खींचते हैं ऐसे, इस लंब को पीछे बढ़ाते हैं और इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं, जहां एक दूसरे काटते हैं वही बिंदु जो होगा वो ए का प्रतिबिंब होगा, यानी ए डैश क्या होगा, ए का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बी से एक प्रकाश की किरण चलती है और वो एन पर पहुंचती है और परावर्तित होकर के एन ई दिशा में चलती है, तो ये परावर्तित किरण एन ई हो गया। और इसी वस्तु बी से दर्पण वाली लाइन पर एक लंब खींचते हैं इस तरह से, ये लंब हो गया। अब इस लंब को पीछे बढ़ाते हैं और इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को बी डैश पर काटते हैं, तो ये बी डैश क्या हो जाएगा, इस बी का प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी बी का प्रतिबिंब बी डैश और ए का प्रतिबिंब ए डैश मिला, और ए डैश और बी डैश को अगर हम खींच करके मिला दें तो ये पूरा ए डैश बी डैश इस ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश पूरे ए बी का प्रतिबिंब हो गया, और दर्पण ये यम यम है, दर्पण की लंबाई और इस प्रतिबिंब की लंबाई में हम संबंध स्थापित करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ए एम ओ और दूसरा त्रिभुज ई एम ओ। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज ई एम ओ में क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, ये कोण आई आपतन कोण है और ये कोण आर परावर्तन कोण है। दूसरा कोण ए ओ यम बराबर कोण ई ओ यम, क्यों, क्योंकि ये जो है ये लाइन यम ओ इस दर्पण पर अभिलंब है, तो अभिलंब जो है ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे। अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर जाता है, ओ ए एम और ओ ई एम दोनों बराबर जाएंगे, यानी ये कोण ओ ए एम और ये कोण ओ ई एम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण ओ ए एम बराबर कोण ओ ई एम, ठीक, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर है और एक भुजा ओ एम जो है कॉमन है, तथा ओ एम क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, और ऐसी स्थिति होती है तो क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अतः त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज ई एम ओ क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अच्छा अगर तरफ सर्वांग सम हो गए तो ए ओ बराबर ओ ई हो जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ दें क्या हो जाएगा, अतः ए ओ प्लस ओ ई बराबर ए ई हो जाएगा, और ओ ई को हम क्या लिख सकते हैं, यम पी लिख सकते हैं, ये ओ ई बराबर क्या हो गया, यम पी। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए ओ को हम ओ ई लिख सकते हैं, तो ए ओ की जगह क्या हो गया, ओ ई हो गया, ये ओ ई हो गया प्लस ओ ई हो गया इक्वल टू क्या हो गया, ए ई हो गया, और ये क्या हो गया, ट्वाइस ओ ई बराबर ए ई, या कह रहे इंप्लाइज दैट ट्वाइस एम पी ओ ई किसके बराबर जाएगा, एम पी के बराबर जाएगा, तो ट्वाइस एम पी बराबर ए ई, ये हो गया एक इक्वेशन वन कह लीजिए इसको। इसी प्रकार त्रिभुज ई एम क्यू तथा त्रिभुज बी एन क्यू में क्या लिखेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज ई यानी क्यू तथा त्रिभुज बी यानी क्यू में क्या हो जाएगा, कोण ई यानी क्यू बराबर कोण बी यानी क्यू, दूसरा कोण ई क्यू एन बराबर कोण बी क्यू एन, क्यों, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और तीसरा आता है कोण क्यू ई एन, क्यू ई एन बराबर कोण क्यू बी एन, क्यू बी एन तथा क्यू एन क्या है, उभयनिष्ठ। और जब इतना कंडीशन होता है, ये त्रिभुज सॉरी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, यानी दोनों त्रिभुज के ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अतः त्रिभुज ई एन क्यू तथा त्रिभुज बी एन क्यू क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। अब जब सर्वांगसम होंगे तो आप लिख सकते हैं, अतः ई क्यू बराबर बी क्यू, या इसी भी लिख सकते हैं ई क्यू प्लस बी क्यू बराबर ई क्यू को बी क्यू कर सकते हैं, बी क्यू प्लस बी क्यू। अब ये क्या हो गया, ई क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ई क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या है, बी ई, बी ई बराबर ट्वाइस बी क्यू, बी ई बराबर ट्वाइस बी क्यू को लिख सकते हैं आप ई क्यू ट्वाइस ई क्यू, और ई क्यू किसके बराबर है, एम ये बी एन के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, बी ई बराबर ट्वाइस पी एन, ये समीकरण दो हो गया, बी ई बराबर ट्वाइस पी एन ये। अब समीकरण एक और दो जोड़ दीजिए, समीकरण एक यहां है और ये समीकरण दो है, तो इक्वेशन वन प्लस टू अगर करते हैं क्या हो जाता है, ट्वाइस एम पी प्लस ट्वाइस पी एन इक्वल टू बी ई प्लस ए ई। अब ये क्या हो जाता है, ट्वाइस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, एम पी प्लस पी एन इक्वल टू बी ई, बी ई प्लस ए ई, बी ई प्लस ए ई क्या हो जाता है, ए ई क्या हो गया, ए बी, या कह ले कि यहां से निकल के आता है एम पी प्लस पी एन, एम पी प्लस पी एन क्या हो जाएगा, एम क्या हो गया, ट्वाइस एम एन बराबर ए बी, यानी दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी, एम एन बराबर ए बी बटा दो, यानी अगर पूरे वस्तु के प्रतिबिंब को देखना होगा तो दर्पण की लंबाई एम एन जो हो जाएगी पूरे प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अतः वस्तु की लंबाई, वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या होगी, वस्तु से आधी होगी। क्या लिखेंगे, अतः यहां से अतः वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई लंबाई वस्तु की आधी
होनी चाहिए। कैसे इसको देखें, ये ए का प्रतिबिंब ए डैश बना है, कैसे, ए से आपतित किरण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण और ए से नॉर्मल खींच दिए इस दर्पण वाली लाइन पर, ये नॉर्मल और ये परावर्तित किरण जहां काट रही वो ए का प्रतिबिंब होगा, फिर बी से आपतित किरण ले गए और ये परावर्तित किरण हो गई, इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं और इस पर लंब खींचते हुए पीछे बढ़ा रहे हैं, दोनों जहां काट रहे हैं वो प्रतिबिंब हो जाएगा बी का, तो बी का प्रतिबिंब बी डैश और ए का प्रतिबिंब ए डैश, ए डैश और बी डैश को मिला देते हैं ये पूरा ए बी का प्रतिबिंब क्या बन जाता है, ए डैश बी डैश बन जाता है। और यहां से इस त्रिभुज को लेते हैं और इस त्रिभुज को लेते हैं, दोनों को हम सर्वागसम सिद्ध करते हैं, फिर इस त्रिभुज को लेते हैं और इस त्रिभुज को लेते हैं, फिर दोनों को सर्वागसम सिद्ध करते हैं, सर्वागसम सिद्ध करके हम ये प्रयास करते हैं कि एम पी जो हो जाएगा ये ए ई का आधा हो जाएगा या ट्वाइस एम पी इक्वल टू ए ई हो जाएगा और यहां से ट्वाइस पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, और दोनों को जोड़ करके हम निकाल लेते हैं कि एम एन क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा या दर्पण की लंबाई जो होगी वस्तु की लंबाई की आधी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वस्तु से चलने वाली दो आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं या जहां से आती ही प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का, आभासी एवं वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब वो है जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं, तो जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं वास्तव में वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब वो होगा कि परावर्तित किरणें जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। आगे आप देखेंगे कैसे समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर आपने देखा कि किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधी चाहिए होती है और वो कैसे चाहिए होती है उसको आपने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही, आगे का टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।